हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के थुनाक पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नुकसान का जायजा उनकी ओर से लिया गया। इस दौरान सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने थुनाक में बाढ़ प्रभावितों को संबोधित करते हुए कहा कि वो चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा भी दिया है। तो सीएम जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, प्रभावितों से पीड़ितों से मुलाकात की गई है, सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है, ये भरोसा भी दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त सीएम पहुंचे और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की गई, उनका हालचाल जाना, नुकसान का जायजा लिया कि कितना क्या नुकसान हुआ है, अब क्या हालात के, कितनी मदद की गई है प्रशासन की ओर से और सरकार प्रभावितों के पीड़ितों के साथ खड़ी है। देखिए सीएम जयराम ठाकुर जिस वक्त मंडी पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। देख रहा था कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही चीज को लेकर के संतोष है कि किसी की जिंदगी नहीं गई। हालांकि केवली में एक जिंदगी भी गई है, एक जीवन, एक वो लेडी की डेथ हो गई है। मैं आप सबके बीच में इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, आपका प्रतिनिधि होने के नाते। और हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान बहुत जगह हुआ है। 24 घंटे में 32 लोगों की जिंदगी चली गई हिमाचल प्रदेश में, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो मदद करने की बात थी वो फौरी तौर पर जो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। और इस बहुत बड़े नुकसान की भरपाई करना पूरी तरह से तो कठिन होता है, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मैंने अपने ऑफिस से यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा था, उन्हें सारी वो जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी सारी रिपोर्ट तैयार कर दी है। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनका उसमें रिकॉर्ड नहीं आ पाया है, तो वो रिकॉर्ड हमको उपलब्ध कराए, जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे।